खबर इंदौर से है, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक जरूर है, लेकिन चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकालने के उद्देश्य को भी साझा किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा कि वे 80 साल के नौजवान हैं। दरअसल गुरुवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा गुरुवार को इंदौर आए। यहां उन्होंने एक आयोजन में शिरकत की, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि यह यात्रा 3 बिंदुओं पर है। पहला, देश के हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं उसके लिए अमीर और अमीर और गरीब होता जा रहा है। अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। आप खुद देखें, इंदौर में कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और कुछ गरीब से भी गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों का वेतन नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई ने उनका बजट बिगाड़ दिया। आम आदमी इससे प्रभावित है। यात्रा का पहला उद्देश्य है आर्थिक असमानता को कैसे ठीक करें। दूसरा उद्देश्य बताते हुए कहा कि धार्मिक उन्माद, जाति धर्म संप्रदाय, पहनावा, बोलचाल, बोली, इनमें एक विवाद हर रोज खड़ा किया जा रहा है। हमारा देश विविधता में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग जगह कई भाषाएं बोली जाती हैं। ये देश अनेकता में एकता का प्रतीक रहा है। धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ है ये भारत जोड़ो यात्रा। वहीं तीसरा उद्देश्य, भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप है उस पर आघात किया जा रहा है। इन तीनों चीजों को लेकर है भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए सहायक होगी। इस सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप हर चीज को राजनीति से ना जोड़े, क्या देश की चिंता ना करें। महंगाई गरीबी बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है। जिस प्रकार से संविधान के साथ समझौता किया जा रहा है वह अच्छी बात है क्या। ये यात्रा राजनीतिक जरूर है, लेकिन चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में यात्रा को लेकर तैयार हो चुकी है, रूट तय हो रहा है, 1 नवंबर तक रूट तय हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा इंदौर से भी गुजरेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने बड़ी बात कही। 75 साल की सोनिया गांधी की जगह 80 साल के खड़गे आए हैं। इस सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सब कहते थे कि यहाँ परिवारवाद चला हुआ है, अब खड़गे जी आए तो इस पर आपत्ति है कि 80 साल के क्यों, वे 80 साल के नौजवान हैं। जबकि उनके संन्यास वाले बयान को लेकर कहा कि उस बयान का गलत समझ लिया गया है। 2026 तक मेरी राज्यसभा है, तब मैं 69 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे क्या करना है उसका तय करना है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि लोगों के हितों को सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें कैसे हम मजबूत करें, उनको कैसे सुरक्षित रखें, जिस प्रकार से पॉलिटिकल हस्तक्षेप हो रहा है, ये सब बातें अभिभाषक वर्ग के लिए चिंता का विषय है। आज की जो मीटिंग है उसे हम भारत जोड़ो अभियान को संविधान से जोड़ना चाहते हैं, संविधान की रक्षा सुरक्षा से जोड़ना चाहते हैं। संविधानिक संस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर भी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। यह बड़ा गंभीर विषय है। आप हर चीज को राजनीति से मत जोड़िए, क्या देश की चिंता ना करें। क्या देश की चिंता आपको नहीं है, जो हो रहा है देश में आप उससे सहमत हैं क्या? महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। कोई बात उनसे करे तो धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। इसी प्रकार से जो धार्मिक उन्माद से जो कटुता पैदा हो रही है समाज में, क्या वो इस देश के लिए अच्छी बात है क्या? जिस प्रकार से संविधान का के साथ समझौता किया जा रहा है वो अच्छी बात है क्या? ये यात्रा राजनीतिक जरूर है, लेकिन चुनाव जीतो यात्रा नहीं है।